मैं किन्नरी किन्नरीज किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे मशरूम करी। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं मशरूम करी। सबसे पहले हम बनाएंगे मशरूम मसाला पाउडर। गरम कढ़ाई में सूखी लाल मिर्च और उड़द दाल को 30 सेकंड तक भूनेंगे। 30 सेकंड के बाद चने की दाल डालेंगे। अगले और 30 सेकंड के बाद साबुत धनिया डालेंगे और साबुत जीरा डालेंगे। काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। सारे मसालों को अच्छे से खुशबू आने तक और उनका कलर बदलने तक भूनेंगे। आप देख सकते हो मसाले अच्छे से भून गए हैं। मसाले ठंडे होने के बाद मिक्सी में पीस कर पाउडर बना लेंगे। अब हम एक बाउल में कटा हुआ प्याज, हरी मिर्च और लहसुन लेंगे और मिक्सी में पीस कर उसकी पेस्ट बना लेंगे। टमाटर को मैंने बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब अलग से टमाटर की प्योरी बना लेंगे। अब एक पैन में तेल गरम करेंगे। तेल गरम होते ही साबुत जीरा और चुटकी भर हींग डालेंगे। अब प्याज की बनाई हुई पेस्ट डालेंगे। प्याज को अच्छे से पकने देंगे। आप देख सकते हो प्याज लाइट ब्राउन कलर की हो गई है। प्याज को अभी और डार्क ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज अच्छे से पक गई है। अब हम टोमेटो प्योरी डालेंगे। सब कुछ अच्छे से मिला लेंगे। इस ग्रेवी को धीमी आंच पर लगभग 8 से 10 मिनट तक पकाएंगे। अब ग्रेवी काफी कम हो गई है और आधी पक चुकी है। अब हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, अब हमने जो मशरूम मसाला पाउडर बनाया है वो डालेंगे। आप बाकी बचे हुए मशरूम मसाला पाउडर को एयरटाइट कंटेनर में भरकर रख सकते हो। जब तक ग्रेवी पकती है तब तक हम मशरूम को काट लेंगे। यहाँ मैंने बटन मशरूम लिए हैं जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। मशरूम को मैंने पहले से ही धोकर साफ कर लिया है। मशरूम को हम लंबी लंबी स्लाइस में काट लेंगे। मशरूम को मैंने काट कर तैयार कर लिया है। अब हम ग्रेवी चेक करेंगे। ग्रेवी काफी गाढ़ी हो चुकी है और उसमें से तेल भी निकल रहा है। अब हम स्लाइस किए हुए मशरूम टोमेटो ग्रेवी में डालेंगे। अच्छे से मिला लेंगे और ढक कर पकने देंगे। लगभग 5 मिनट के बाद ग्रेवी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा पानी डालेंगे। जिस जार में मैंने टोमेटो प्यूरी बनाई थी उसी जार में थोड़ा सा पानी डालकर उसी पानी को हम इस्तेमाल कर लेंगे। ढक कर पकने देंगे।
मशरूम अच्छे से पक गए हैं। मशरूम करी बनकर तैयार है। मशरूम करी को गरम गरम ही पराठे या चावल के साथ परोसें। आशा है आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। ऐसी और नई रेसिपीज के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।